जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमले की खबर है, 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मैं इसके लिए हमारे वहाँ नौजवान सेना को सभी को मैं बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया था और घटना को अंजाम दिए थे, पूरे देशवासी उस दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसके जवाब मिलनी चाहिए और बहादुरी के साथ में हमारे जवाब हमारे देश के सुरक्षा में लगे हुए ये कार्रवाई की है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, इस देश के रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आतंकवादियों को जो गतिविधियां चला रहे हैं आगे, इसमें रोक लगनी चाहिए और नहीं तो इसी प्रकार के उनको जवाब दी जाएगी।